मोटापा हर दूसरे बंदे का अब मसला बन चुका है। मोटापा एक ऐसी बीमारी बन चुका है जिससे लोग निजात पाने के लिए न वॉक करते हैं, न एक्सरसाइज और न ही अपने खाने पीने की आदत में तब्दीली करना चाह रहे होते हैं। ये लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज इन्हें मिल जाए कि झटपट उनका वजन कम होना शुरू हो जाए। वैसे तो मार्केट में मोटापा कम करने के लिए कई सप्लीमेंट्स और हर्बल टी टाइप चीजें आ चुकी हैं, लेकिन माहिरीनों मुआलजीन इनको रेकमेंड नहीं करते और कहते हैं कि मोटापे को कुदरती तरीके से ही कम करना चाहिए। तो आज हम आपको करेले जैसी मकबूल सब्जी के जूस का ऐसा नुस्खा बताते हैं जिसको पीने से मोटापा जल्द खत्म होना शुरू हो जाता है। करेले से इंसानी जिस्म को आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम और विटामिन सी के साथ गजाई फाइबर जैसे अज्जा हासिल होते हैं और यही वजह है कि तोंद से निजात दिलाने में ये जादुई असर दिखाने वाली सब्जी साबित हो सकती है। तिबी जरीदे जर्नल BMC कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेट मेडिसिन में शाया एक तहकीक में बताया गया था कि करेले का अर्क या जूस इंसानी चर्बी के खुलियात को घुलाने में मदद दे सकता है जबकि इन्हें दोबारा बनने से रोकता है। तो ये तोंद की चर्बी घुलाने या मोटापे से निजात दिलाने का कुदरती जरिया साबित हो सकता है। तो अगर आप मोटापे से निजात चाहते हैं तो इसके जूस को पीने की आदत अपनाने की कोशिश करें। करेले का जूस डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतरीन मशरूब है जो कि जिस्म में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद देता है। ब्लड शुगर लेवल मुस्तहकम रखना जिस्मानी वजन में कमी लाने में मदद देता है। बुनियादी तौर पर यह मशरूब इंसुलिन को हरकत में लाता है। जब यह हार्मोन मुतहर्रिक होता है तो ब्लड शुगर लेवल मुनासिब सतह पर रहता है और चर्बी में मुंतकिल नहीं होता जिससे मोटापे से निजात में मदद मिलती है। अब हम आपको बताते हैं कि करेले का जूस कैसे बनाएं। इसे बनाना बहुत आसान होता है और अज्जा की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होती। बस करेले को छील लें और इसके बाद काट लें। टुकड़े करने के बाद बीजों को निकाल दें और फिर इसे मजीद छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में 30 मिनट के लिए डबो दें। इसके बाद इन टुकड़ों को जूसर में डालकर आधा चाय का चम्मच नमक और लीमों के अर्क का इजाफा करके ब्लेंड कर लें। अगर कड़वाहट ज्यादा महसूस हो तो इसे कम करने के लिए कुछ मकदार में शहद या गुड़ डाल लें, जबकि लीमू के अर्क से भी कड़वाहट को कम किया जा सकता है। और हाँ, चुटकी भर काली मिर्च और अदरक भी तलख जायके को कम करने के लिए काफी है।